अक्षय कुमार की सामाजिक मुद्दे को लेकर बनी फिल्म टॉयलेटिक प्रेम कथा ने भारत में अच्छा खासा व्यवसाय किया था और कुल 216 करोड़ की कमाई इसने भारत में की थी। अब आपको बता दें दोस्तों, टॉयलेटिक प्रेम कथा चाइना में आज रिलीज हो चुकी है और आज इसका पहला दिन है। चाइना में इसे 4300 स्क्रीन पर रिलीज किया गया है। अक्षय कुमार भूमि पेडनेकर की ये फिल्म काफी ज्यादा अच्छी साबित हो रही है चाइना के बॉक्स ऑफिस पर भी। हालांकि जो इसमें इशू है वो चाइना में बिल्कुल भी नहीं है। चाइना के दर्शकों को ऐसा लगता है कि फिल्म काफी अच्छी है और भारत के लिए ही बनी है। आपको बता दें, फिल्म का पहले दिन का कलेक्शन उतना नहीं रहा जितना चाइना में बाकी फिल्मों का रहा, जैसे कि दंगल, बजरंगी भाईजान या फिर हिंदी मीडियम। टॉयलेटिक प्रेम कथा भारतीय सामाजिक मुद्दे पर है, शायद इसी का कारण यहाँ पर अक्षय कुमार की फिल्म को देखने को मिला और इसको इतनी स्क्रीन भी नहीं मिली जितनी बाकी पिक्चरों को मिली थी, जैसे कि बजरंगी भाईजान 8000 स्क्रीन और दंगल 7000 स्क्रीन, जबकि टॉयलेटिक प्रेम कथा को मिली है मात्र 4300 स्क्रीन। अब बात करते हैं इसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की। अक्षय कुमार की इस फिल्म को चाइना पर पहले दिन बॉक्स ऑफिस में मात्र 14 करोड़ का कलेक्शन ही मिल सका है। अब आपको बता दे, हो सकता है आने वाले दिनों में ये फिल्म जल्द ही चाइना में 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर जाए, लेकिन ये उतनी ज्यादा कमाई नहीं कर पाएगी जितनी सीक्रेट सुपरस्टार, दंगल, बजरंगी भाईजान, हिंदी मीडियम जैसी फिल्मों ने की है। तो चाइना में टॉयलेट हीरो को पहले दिन का कलेक्शन मिला 14 करोड़। खबर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। देखो देखो।